अल्लाह पाक तुम्हारे किस अमल को पसंद कर ले, अब वो अमल तुम्हारा निजात का जरिया बन जाए। इमाम गजाली के बारे में मैंने पढ़ा, किसी ने, किसी साहिब कश्फ ने, अल्लाह के नेक बंदे ने इमाम गजाली के पर्दा फरमाने के बाद उनसे पूछा, ए गजाली आपके साथ क्या मामला हुआ? अल्लाह ने आपकी किस खिदमत को कबूल फरमाया? ये ख्वाब की बात है। इमाम गजाली ने फरमाया उस आदमी से कि मैं जब लिख रहा था तो पहले दावत में रोशनाई होती थी और कंडे का या किसी चीज़ का कलम होता था, उस कंडे के कलम को दावत में डुबोया जाता और फिर लिखा जाता। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब मैं लिख रहा था, जैसे ही मैंने कलम को दावत में डुबोया, उसको बाहर निकाला लिखने की गरज से, एक मक्खी आई और उस पर बैठ गई। मैंने गौर किया तो देखा कि मक्खी कुछ चूस रही है। मैं समझा मक्खी प्यासी है, जो इससे कुछ हल्का सा पानी निकलता होगा उसी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा रही है। तो मैं थोड़ी देर ठहर गया, अल्लाह की मखलूक है, पानी पी ले फिर लिखूं। मेरे रब को ये मेरा अमल पसंद आया और उसी के सदके उसने मुझको बख्श दिया। गौर करो,